नमस्कार दोस्तों, आज एक 40x40 का एक हाउस प्लान देखेंगे। घर का लंबाई है 40 फीट, इसका चौड़ाई है 40 फीट। देखिए, घर का लंबाई है 40 फीट और इसका चौड़ाई भी है 40 फीट। और ये एक 3BHK हाउस प्लान है। इसमें 3 बेडरूम है, एक स्टेयरकेस है, एक हॉल है, एक किचन है, एक पूजा घर भी है और इसमें 2 टॉयलेट भी है। और ये है, देखिए, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। घर का फ्रंट इधर है, साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर। ये एक दक्षिण मुखी घर का नक्शा है, एक साउथ फेसिंग हाउस प्लान। ये एक साउथ फेसिंग 3BHK हाउस प्लान है। ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये है साउथ वेस्ट कॉर्नर, ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। घर के सामने देखिए, ये है घर का फ्रंट। घर के सामने ये है स्टेयरकेस कम एंट्रेंस और यहाँ पर एक गेट लगेगा, यहाँ से आप अंदर जाएंगे। ये है ग्रिल गेट, घर का मेन गेट यहाँ पर है। 2 स्टेप चढ़ने के बाद आप अंदर जाएंगे स्टेयरकेस कम एंट्रेंस और ये बाएं तरफ ऊपर चढ़ेंगे, ये है स्टेयरकेस। भीतर जाने के लिए यहाँ पर है डोर। स्टेयरकेस का साइज देखिए 14 फीट × 8 फीट 8 इंच। इसका लंबाई है 14 फीट, इसका चौड़ाई है 8 फीट 8 इंच। और यहाँ पर एक खिड़की है वेंटिलेशन के लिए। और ये देखिए राइट साइड में यहाँ पर है पार्किंग 4 व्हीलर के लिए। आप यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी रख सकते हैं। ये है पार्किंग स्पेस। ये है गैरेज 10 फीट 8 इंच × 12 फीट 4 इंच। और ये है रैंप, ऊपर जाने के लिए यहाँ पर रैंप है। और यहाँ से अंदर जाएंगे तो देखिए, ये बीच में एक लिविंग कम ड्राइंग रूम है और इसका साइज है 18 फीट 11 इंच × 16 फीट। 18 फीट 11 इंच यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 18 फीट 11 इंच। और ये जो 16 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 16 फीट। और ये बाएं तरफ देखिए, यहाँ पर है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज है 12 फीट × 14 फीट 9 इंच। ये मास्टर बेडरूम का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है देखिए, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर ये है मास्टर बेडरूम। और वेंटिलेशन के लिए इसमें 2 खिड़कियां हैं, यहाँ पर एक खिड़की और ये है एक खिड़की। और ये मास्टर बेडरूम का ये है अटैच टॉयलेट और इसका साइज है 7 फीट 6 इंच × 4 फीट 6 इंच। ये है अटैच टॉयलेट मास्टर बेडरूम का। और ये राइट साइड में देखिए, यहाँ पर है किचन ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट ये और ये है ईस्ट। और यहाँ पर है किचन। किचन का साइज है 10 फीट 8 इंच × 8 फीट। 10 फीट 8 इंच है इसका लंबाई और ये 8 फीट है इसका चौड़ाई। और ये है किचन का स्लैब और यहाँ पर आप सिंक लगा सकते हैं, किचन का सिंक। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है। और ये किचन के पास देखिए, यहाँ पर है डाइनिंग। डाइनिंग का साइज है 10 फीट 8 इंच × 9 फीट 8 इंच। 10 फीट 8 इंच ये है इसका लंबाई और इसका ये जो वर्टिकल लेंथ ये है 9 फीट 8 इंच। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक खिड़की है और यहाँ पर आप एक बेसिन भी लगा सकते हैं हाथ धोने के लिए। और ये है कॉमन टॉयलेट और इसका साइज देखिए 7 फीट 6 इंच × 5 फीट इसका साइज। और पीछे तरफ जाएंगे तो देखिए,
यहाँ पर है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 का साइज है 12 फीट × 12 फीट। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 12 फीट है। लंबाई भी 12 फीट, इसका चौड़ाई भी 12 फीट। और वेंटिलेशन के लिए इसमें भी दो खिड़कियां हैं, पीछे तरफ एक खिड़की और ये बाएं तरफ एक खिड़की। और ये है बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 इसका साइज है 14 फीट × 12 फीट। 14 फीट है ये हॉरिजेंटली लेंथ और ये वर्टिकल लेंथ ये है 12 फीट। वेंटिलेशन के लिए पीछे तरफ एक खिड़की यहाँ है। और ये है देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा घर है और ये पूजा घर का साइज है 10 फीट 8 इंच × 6 फीट 10 इंच। 6 फीट 10 इंच है इसका चौड़ाई और इसका लंबाई ये है 10 फीट 8 इंच। और वेंटिलेशन के लिए भी हम यहाँ पर एक छोटा सा खिड़की का प्रोविजन किया गया है किए हैं। और ये है इसका डोर। और ये वॉल का थिकनेस है 10 इंच। और ये जितना वाला पार्टी जितना भी पार्टीशन वॉल है ये पतला वाला वॉल ये है 5 इंच, ये 10 इंच और ये है 5 इंच, ये है 5 इंच। और ये जो स्टेयर केस है, स्टेयर केस का वाइड है 3 फीट 6 इंच। 3 फीट 6 इंच का ये स्टेयर केस। और इसका जो राइज है ऊपर चढ़ने के लिए जो राइज ये है 6 इंच और इसका ट्रेड ये है 10 इंच। तो चलिए देखते हैं इसका प्लिंथ एरिया कितना है। प्लिंथ एरिया ऑफ द ग्राउंड फ्लोर यानी इसका लंबाई भी 40 और इसका चौड़ाई भी 40। तो इसका प्लिंथ एरिया है 1600 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये नक्शा आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।